हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल बाय यजी। आज की वीडियो में मैं आपको ये ब्यूटीफुल कुर्ती डिजाइन करना बताऊंगी। आप देख सकते हैं, ये हमारी लॉन्ग कुर्ती है जिसके ऊपर मैंने ये अम्ब्रेला पाकिस्तानी स्लीव्स डिजाइन की है। आजकल पाकिस्तानी स्लीव्स कुर्ती की बहुत ही ज्यादा डिमांड चल रही है। ये कुर्ती दिखने में बहुत ही स्टाइलिश लुक देती है। आप इसको डेली वियर में भी कैरी कर सकते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं तो दिस कुर्ती इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ये कुर्ती पहनने में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होती है, इसलिए ज्यादातर लड़कियों की डिमांड ऐसी ही कुर्ती की रहती है जो लुक वाइज स्टाइलिश दिखे और वियर करने में कंफर्टेबल। तो आज हम इस कुर्ती की डिजाइनिंग बहुत ही सिंपल वे में करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुर्ती की कटिंग मैंने पहले से ही कर रखी है। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वहां पर कुर्ती की कटिंग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका नेक बनाएंगे। तो फ्रंट नेक और बैक नेक के लिए मैंने यहाँ पर 4-5 जो है रेप पट्टियाँ काटी थी, जिनको मैंने सिलाई मारकर ऐसे जॉइंट कर लिया है बीच में से। देखिए, इस तरह से मैंने इन दोनों रेप पट्टियों को जॉइंट कर लिया है। उसके बाद जो है हम अपने फ्रंट पार्ट का नेक लेंगे इस तरह से, और इस रेप पट्टी को इस तरह से रखते हुए अपने नेक पे जॉइंट करेंगे। ये देखिए, मैंने जॉइंट कर लिया है। ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। उसके बाद जो हम नेक में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि जो हमारा नेक जो है इजिली फोल्ड हो जाए, इस तरह से छोटे छोटे हम कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद जो है फैब्रिक को इस तरह से वन फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक और स्टिचिंग लगा देंगे। इस तरह से देखिए, हम स्टिचिंग लगा देंगे एक और। देन हमने स्टिचिंग लगा दी है, उसके बाद जो हम सेकंड फोल्ड करेंगे और सेकंड स्टिचिंग देंगे फिनिशिंग के लिए। देखिए, इस तरह से हम सेकंड स्टिचिंग दे रहे हैं। देन सेकंड स्टिचिंग देने के बाद हम नेक को कंप्लीट करने के लिए इस पे तुरपाई करेंगे। देखिए, इस तरह से हम तुरपाई करेंगे पूरे नेक पर और अपना जो फ्रंट नेक है वो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने पूरे नेक पे तुरपाई करके अपना फ्रंट नेक कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से हम अपना बैक नेक भी रेडी कर लेंगे, लेकिन हम अपने बैक नेक को टू फोल्ड नहीं करेंगे। सबसे पहले जो है हम इसमें अपना फ्रंट पार्ट जॉइंट करेंगे, उसके बाद जो है इसको पीछे की साइड से फोल्ड करेंगे। तो हम अपने बैक नेक पर अपना फ्रंट नेक रखेंगे और दोनों शोल्डर्स को आपस में जॉइंट कर देंगे। देखिए, इस तरह से हम अपने शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे। दोनों शोल्डर जॉइंट करने के बाद जो है हम अपने बैक नेक को सेकंड फोल्ड देंगे। देखिए, इस तरह से अपने बैक नेक को सेकंड फोल्ड करते हुए हम इसकी तुरपाई कर देंगे। ये देखिए, मैंने तुरपाई करके अपना बैक नेक भी रेडी कर लिया और हमारे नेक कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जो है हम अपनी कुर्ती की फिटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने अपने फैब्रिक को जो है पीछे की तरफ पलट दिया है। उसके बाद हम इसकी फिटिंग का मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है हमारी 18 इंच, तो हम दोनों साइड से 2-2 इंच में मार्क कर लेंगे। ये देखिए, हमारा 18 इंच बनके रेडी हो चुका है। उसके बाद जो है हम यहाँ से 6.5 इंच में मार्क करेंगे और अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है हमारी 15 इंच, उसके लिए हम यहाँ दोनों साइड से 2.5-2.5 इंच में मार्क करेंगे और 15 इंच हमारा आके रेडी हो जाएगा। फिर हम दोबारा यहाँ पर 6.5 इंच में मार्क करेंगे और अपने हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप के लिए भी मैंने यहाँ दोनों साइड से 2-2 इंच में मार्क कर लिया है और अब दोनों साइड के निशानों को हम स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद जो है हम अब कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों साइड से कुर्ती की फिटिंग कर ली है। उसके बाद हम इसके स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पर बॉटम में 2-2 इंच में मार्क करा है सभी साइड से। उसके बाद जो स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन बना ली है। देन यहाँ पर 2-2 इंच पे हम मार्क करते हुए चलेंगे इस तरह से और बॉक्स की शेप दे देंगे। ये देखिए, दोनों साइड से 2-2 इंच पे मार्क करके बॉक्स की शेप दे दी है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
देखिए कटिंग करने के बाद जो है हम इसको फोल्ड करते हुए ट्रायंगल शेप बना लेंगे। ट्रायंगल शेप देते हुए हम इसकी डिजाइनिंग बना रहे हैं। देखिए इस तरह से सभी को हम ट्रायंगल शेप दे देंगे। ये देखिए मैंने डिज़ाइन बना दिया है। अब हम अपने पेंट के जो है फैब्रिक लेंगे जिसकी विड्थ 6 इंच है और लेंथ जो है 18.5 इंच है। उसके बाद हम इसको 2 फोल्ड करेंगे और इसको अपने डिज़ाइन के नीचे रखेंगे और इस पे एक स्टिचिंग लगा के इस पट्टी को भी अपने स्लीव्स में ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए मैंने ज्वाइंट कर दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। उसके बाद ये लेस ली है और इसको भी अपने जो है ट्रायंगल वाली जो हमने डिज़ाइन दिया था उस पे ज्वाइन कर लेंगे। सेकंड स्टिचिंग भी मार लेंगे फिनिशिंग के लिए। ये देखिए हमारे डिज़ाइन बनके रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम सेकंड स्लीव्स भी बना के रेडी कर लेंगे। दोनों स्लीव्स रेडी करने के बाद जो है हम इन स्लीव्स को अपने कुर्ती पे लगा के स्टिच कर लेंगे। देखिए दोनों स्लीव्स को मैंने अपने कुर्ती पे जो है लगा ली है। देन अब हम अपने कुर्ती को नीचे से और कुर्ती के चारों साइड को फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए हमारी कुर्ती जो है रेडी हो चुकी है। मैंने इसके चारों साइड्स के चाक जो है फोल्ड करके इस पे तुरपाई कर ली है और ये हमारी कुर्ती कम्प्लीट हो चुकी है। इस कुर्ती को आप इस पैंट के साथ कैरी कर सकते हैं। इस पैंट की डिजाइनिंग की वीडियो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीक शेयर करूंगी। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं।